मुख्तार अब्बास नकवी, एमजे अकबर और जफर इस्लाम राज्यसभा में ये बीजेपी के आखिरी मुस्लिम चेहरे हैं। 7 जुलाई के बाद राज्यसभा में बीजेपी मुस्लिम मुक्त हो जाएगी। लोकसभा और देश के कुछ विधानसभाओं में बीजेपी पहले से ही मुस्लिम मुक्त है, लेकिन अब राज्यसभा से भी बीजेपी संपूर्ण रूप से मुस्लिम मुक्त हो जाएगी। मोदी मंत्रिमंडल में भी मुस्लिम मुक्त होने वाला है, क्योंकि मुख्तार अब्बास नकवी का राज्यसभा कार्यकाल खत्म होने वाला है। जैसे ही राज्यसभा टेन्योर समाप्त होगा, वैसे ही क्या नकवी को भी नमस्ते कर दिया जाएगा? अब प्रश्न ये है कि क्या मुख्तार अब्बास नकवी की राजनीति पर बीजेपी ने पूर्ण विराम लगा दिया है? एमजे अकबर और जफर इस्लाम का क्या होगा? सबसे पहले बात मुख्तार अब्बास नकवी की करते हैं। सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइट्स पर ये खबरें छपी कि मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा में ही रहेंगे, लेकिन बतौर सदस्य नहीं, बल्कि वो सभापति के तौर पर उच्च सदन की कमान संभालेंगे। सूत्रों की माने तो मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति भी होता है। इसलिए अगर नकवी उपराष्ट्रपति बन गए तो फिर वो उच्च सदन में बने रहेंगे। इसी साल अगस्त में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। संभावना है कि उनकी जगह नकवी को बैठाया जा सकता है। मुख्तार अब्बास नकवी को लेकर एक और संभावना है, वो राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर बनाए जा सकते हैं। राज्यसभा की मौजूदा स्थिति ये है कि इसमें 245 सीटें हैं, 233 सीटों पर अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा सरकार नियुक्त करवाती है। मनोनीत सदस्यों की 6 सीटें खाली हैं। सरकार चाहे तो 6 सीटों पर सदस्यों को मनोनीत करवा सकती है। हो सकता है कि बीजेपी मुख्तार अब्बास नकवी को सोशल वेलफेयर कोटे से राज्यसभा में मनोनीत करवा दे। एमजे अकबर मीटू के आरोपों में फंसने के बाद मोदी मंत्रिमंडल से बाहर हो गए थे, और रही बात जफर इस्लाम की, तो ऐसा माना जाता है कि एमपी में कमलनाथ की सरकार गिराने और शिवराज सिंह चौहान को लाने में इनका बड़ा योगदान था। इसे ऐसे समझिए कि जफर इस्लाम और ज्योतिरादित्य सिंधिया मित्र हैं। सिंधिया को बीजेपी में लाने का श्रेय जफर को जाता है। सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद से कमलनाथ की सरकार अस्थिर हुई थी, विधायकों का इस्तीफा हुआ था, फ्लो टेस्ट हुआ और फिर शिवराज सिंह चौहान सीएम बन गए। उसके बाद सिंधिया को राज्यसभा और 7 अगस्त 2021 को कैबिनेट मंत्री पद से नवाजा गया था। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। सिर्फ यूपी ही नहीं, बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, बिहार और गुजरात की विधानसभाओं में भी बीजेपी के पास एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है। हालांकि बिहार सरकार में बीजेपी की ओर से शाहनवाज हुसैन मंत्री बनाए गए हैं। शाहनवाज हुसैन विधान परिषद सदस्य हैं। यूपी में दानिश आजाद अंसारी को मंत्री पद मिला है, उन्हें विधान परिषद भेजा जाएगा।